हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी सिंह। दिस इज मी योर साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी सिंह। होप यू गाइस फिट फाइन हैप्पी एंड हेल्दी। सो टुडे आई एम बैक विथ अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ एक न्यू वीडियो को लेकर जो कि आपके बहुत ज़्यादा डिमांड्स थे, उसका पार्ट टू है। सो ये है इयररिंग हॉल पार्ट टू। तो ये बहुत एक्साइटिंग वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा पहला इयररिंग है वो है ये वाले इयररिंग्स, जो कि आपने बहुत से इंस्टा पेजेस पर चेक किया होगा। एक मिनट, ये लग गया। बहुत से इंस्टा पेजेस पर ये बहुत ट्रेंडिंग इयररिंग्स हैं। तो ये मुझे उतने ही पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं ये। देखिए, आप इसको किसी के भी साथ, इंडियन, वेस्टर्न, किसी के साथ भी आप इसको पेयर कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखते हैं। सुंदर लगते हैं। इसका प्राइस और पिक मैं यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन करते जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप बताना कि आपको कैसी लगी ये वाली इयररिंग। सो फ्रेंड्स, हमारी सेकेंड इयररिंग है ये। ये भी उतनी ही प्रिटी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसमें जो ये वर्क किया हुआ ना, ये मल्टी कलर्ड वर्क है। आपको जूम करके दिखाती हूँ। बीच में एक स्टोन भी है और यहाँ पर भी हल्का सा एक स्टोन का लेयर है। मेरे कुछ कुछ गिर गए आने में, पैकेज आने में, बट कोई नहीं। और नीचे ये बहुत सुंदर सा वर्क किया हुआ है। ये इयररिंग्स इतने प्रिटी लगते हैं ना, आप इसको एज अ मांग टीका भी यूज़ कर सकते हो, एज अ इयररिंग भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखते हैं। तो इनको मैं पहनकर आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसको वेयर कर लिया है। ये बहुत सुंदर दिखते हैं। ये आपके फेस के कट के अकॉर्डिंग भी ये बहुत इजीली आप वेयर भी कर सकते हो। ये इसके पीछे इस तरीके का लूप स्टाइप दिया हुआ है, स्टड टाइप का। आप सो किसी तरह वेयर कर सकते हो, बिल्कुल हैवी नहीं है और हल्के। तो इसका ब्यूटी शॉट भी आपको दिखाती हूँ। मुझे पर्सनली उतने ही बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं भी क्या बकबक करी हूँ नहीं पता। ये पेंडेंट भी फ्रेंड्स मैंने ऑर्डर किया था, ये जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये बहुत सुंदर पेंडेंट है। तो और आपको नेक्स्ट ईयरिंग दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक चोकर, जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। इस तरीके का कुछ लुक आता है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप चाहो तो ये वाला जो इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है ना, उसको ये छोटे छोटे में भी ले सकते हो, बट मैंने ये वाला परचेज़ किया, मेरे ड्रेस के साथ जाएगा। बहुत सुंदर, यहाँ अंदर से इसके थ्रेड का वर्क किया हुआ है और बहुत प्रिटी लगता है। आप इसको वेयर कर सकते हो ईजली। वैसे ये आपको मेनली इंडियन ड्रेसेस के साथ, जैसे स्कर्ट्स और शराराज, वो सब के साथ ज़्यादा जाएगा। तो ये इस तरीके का है। इसमें 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस में कुंदन वाले वर्क किए हुए हैं। ये मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर किया, ये मीशो से ही ऑर्डर किया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पिक स्क्रीन के साथ प्राइस के साथ भी आएगी। तो फ्रेंड्स, आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। बहुत सुंदर पीस है, मैं आपको इसका ब्यूटी शॉट दिखाती हूँ। चेकआउट जरूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन से प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। मुझे तो ये चोकर का क्वालिटी और प्राइस बहुत अच्छा लगा। इस तरीके का चेन हुक दिया हुआ है, आप कितने भी साइज में इसको एडजस्ट कर सकते हैं और अच्छा लेंथ है इसका। तो नेक्स्ट इयररिंग है जो कि है ये आप इंडियन वेस्टर्न किसी के भी साथ पहन सकते हो। बहुत प्रिटी लगते हैं, एज अ मांग टीका भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा फ्रेंड्स। तो इसको पहन के आपको दिखाती हूँ कैसे लगते हैं। कमेंट करते रहना फ्रेंड्स, आपको कौन सी इयररिंग ज़्यादा पसंद आ रही है और कौन से अच्छे लगे, कौन से आपके पास हैं, आपने पहले से परचेज़ किया हुआ है। फ्रेंड्स, इसकी एक खास क्वालिटी है ना, ये बिल्कुल लाइट वेटेड है। आप देखो कितने सुंदर लगते हैं ना। ये मेरे फेवरेट इयररिंग्स में से एक है, जो कि मैं ऑफकोर्स अपने वीडियोस के लिए, रील्स के लिए, रील्स से ज़्यादा इंस्टा आई डी आ रही, उसको फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो, ताकि आप वहाँ मेरे ब्यूटीफुल पिक्चर्स और रील्स को चेकआउट कर सको। तो इसके ब्यूटी शॉट्स भी आपको दिखा दी हूँ। सो फ्रेंड्स, ये इयररिंग भी मैंने ब्लैक में ही मंगवाया है। यहाँ पर आप देख लो, ब्लैक
ब्लैक कलर के दो मोती है और ये ना जाली जाली वाला वर्क किया हुआ है ये पूरे एरिया में, और इस तरीके के हुप स्टाइल्स है। तो ये बहुत अच्छा इयरिंग है, बहुत लाइट वेटेड है, आप इसको किसी भी ड्रेस के साथ वेयर करो, बहुत प्रिटी सा लुक आपको मिलेगा। तो इसकी भी प्राइस स्क्रीन पे मेंशन है पिक के साथ, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। ये मुझे याद नहीं किस साइट से लिया हुआ है, बट मेरे पास इसका ऑर्डर स्लिप है, तो वो मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट इयरिंग है वो है ये मिरर वाले छोटे इयरिंग, जो कि मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इयरिंग्स में से एक है, जो अभी इस पर रील्स मैंने शूट भी नहीं किया है, इसका स्टोरी मुझे डालना है। ये देखो कितने प्रिटी दिखते हैं ना ये फ्रेंड्स, आप इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इनको भी मैं पहनकर आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लुक ये देते हैं। ये आप वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हो, कोई भी शॉर्ट ड्रेस के साथ इसको आप कैरी कर सकते हो, ये बहुत सुंदर सा लुक देगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल लाइट वेटेड इयरिंग्स है, तो ये बिल्कुल भी भारी नहीं, आपके कान को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, हार्म भी नहीं होगा, और बहुत सुंदर सा लुक भी आपको मिलेगा। तो ये देखिए कितने अच्छे हैं ना मिरर वाले, मेरे फेवरेट इयरिंग्स हैं मिरर वाले। तो इसका प्रिंट आप देख लो, सो बहुत प्रिटी इयरिंग्स है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट इयरिंग आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इयरिंग से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक अच्छा सा गोल मिरर वर्क है जो कि नहीं निकलेगा। आप लोगों को अक्सर मन में डाउट होता है कि ये मिरर ना बाद में निकल जाएगा और ये इयरिंग बिल्कुल बकवास लगेगी, बट नहीं, ये बहुत अच्छे क्वालिटी के मेटल्स से बना हुआ है, तो बहुत सुंदर है। ये पीछे इसके इस तरह का लुक है और आगे कुछ इस तरीके का लुक है, नीचे छोटे छोटे झुन्नियाँ दी हुई हैं और ऊपर भी ये हुक स्टाइल का है, तो बिल्कुल इजीली आप इसको फंसा कर पहन सकते हो। बहुत क्यूट दिखते हैं ये वाले इयरिंग, तो ज़रूर चेकआउट करना इन इयरिंग्स को। सो जो नेक्स्ट इयरिंग है वो है मेरे ये वाले इयरिंग्स, ये भी मेरे फेवरेट इयरिंग्स। आप खुद इनको देखो और कमेंट करके बताना कि कौन सा इयरिंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया इस हॉल में। तो फ्रेंड्स, ये भी इयरिंग मैंने मीशो से मंगाया है, ये आपको दिखा दूंगी स्क्रीन पर, प्राइस और पिक मेंशन है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक इसका डाल दूंगी। ये भी बहुत सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स, इसको मैं पहन कर दिखाती हूँ। और ये इतने लाइट वेटेड है कि आप कभी भी कहीं भी कैरी कर सकते हो। और हम इयरिंग वैसे लेने चाहते हैं ना आजकल, जो कि बिल्कुल हल्के से और बहुत गॉर्जियस सा लुक दे दे, तो ये उसी टाइप के, तो वीडियो शॉर्ट्स हाजिर है आपके सामने। काफ़ी सुंदर सा इयरिंग है ये, आप इसको कॉम्बो में भी परचेज कर सकते हो और ऐसे सिंगल सिंगल पीस भी परचेज कर सकते हो। मैंने तो इसको सिंगल पीस ही परचेज किया हुआ है, और इसमें भी एक ना इस तरीके का मिरर लगा हुआ है ट्रायंगल शेप में, और ये नीचे इसके ना ये बहुत सुंदर से झुमके दिए हुए हैं, साइड में भी इसके बहुत अच्छे छोटी छोटी झुमकियाँ दी हैं, हुक स्टाइल है, और पीछे का लुक कुछ इस तरीके का है, आगे से कुछ इस तरीके का है। बहुत सुंदर इयरिंग्स है, आप कब इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो, मांगटीका के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है और बहुत इजीली आपको किसी भी साइट पर मिल जाएगी, तो मैंने तो इसको 20 से परचेज किया, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना और इंस्टा आईडी इसको जल्दी फॉलो करो। सो फ्रेंड्स, इस हॉल की जो लास्ट इयरिंग है वो है ये वाले इयरिंग्स। ये यहाँ हल्का सा ना ब्लैक सा आ गया, बट कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत सुंदर से इयरिंग है फ्रेंड्स, ये भी ऑक्सीडाइज है। मेरे जितने भी इयरिंग्स अभी तक ने आपने देखा वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडाइज ही हैं, तो मुझे ज़्यादा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो ये भी मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, और इसमें जो फ्रेंड्स एक खास बात है ना, ये देखिए यहाँ से जो ये हुक्स हैं ये निकलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और मैंने ज़्यादा मिरर वर्क वाले ऑर्डर किए, तो इस बार सोचा कि नहीं कुछ अलग डिफरेंट ऑर्डर करते हैं, क्योंकि मिरर वर्क वाले तो बहुत सारे हो गए, ये वाले भी ऑर्डर करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका रिव्यू बहुत अच्छा था मीशो पर, आप भी चेकआउट कर सकते हो। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मेरी खुद की एक्सपीरियंस्ड वीडियो है, तो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो बहुत सुंदर सा इयरिंग है और इसके ब्यूटी शॉट्स टाटा। सो फ्रेंड्स, बहुत सारा सुंदर इयरिंग्स है ये, आप ट्राई कर सकते हो। और आपको इसके बाद कौन
की वीडियो देखनी है वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। बहुत सुंदर से इयररिंग्स हैं ये। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। होप यू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और क्या करना है आपको, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करना, मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज करो फ्रेंड्स। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।